हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या उसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत आप परिचित भी होंगे, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कब कैसे बनाना है आपको, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगा आपको, कैसे स्केलेटन तैयार किया जाता है। तो ऑल अबाउट लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको इस यहाँ पे अभी बताया जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो अपने ही थ्योरी पर काम करता है जो आपने पढ़ा हुआ है आगे इंट्रोडक्शन क्लास में, एक लेविस ऑक्टेट रूल। तो लेविस का जो स्ट्रक्चर है वो उसी रूल को फॉलो करता है, यानी इसका कहना है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स क्या होंगे, या तो ऑक्टेट या तो ड्यूएट कंप्लीट करेंगे। बस यही है लेविस का ऑक्टेट रूल, यही है कि जो भी कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई भी एटम हो वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट या ड्यूएट होना है तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। बात आई समझ में। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं आगे लेविस स्ट्रक्चर पे। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और ध्यान से पढ़ाई करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब स्ट्रक्चर की बात आती है कि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के लिए एक स्केलेटन चाहिए। जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है तो हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन है, देन हम लोग का एक स्ट्रक्चर, एक पोस्चर है हम लोगों का। तो उसी तरीके से लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी एक स्केलेटन स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्केलेटन के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम का चयन करना होता है कि सेंटर में कौन सा आइटम रहेगा और उसके टर्मिनल पे कौन सा आइटम रहेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट होगा हम लोगों का क्या, कि कैसे सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल आइटम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रूल, कुछ रूल मैं लिखूंगी जो आपको भी लिखना है, लिखते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। तो यहां देखिए, ड्रॉ ए स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल आइटम, यूजुअली द आइटम्स विथ लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और लीस्ट इन नंबर और हाईएस्ट वैलेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा एलिमेंट जो दिए हुए मॉलिक्यूल में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या लीस्ट इन नंबर होगा या हाईएस्ट वैलेंस, यानी जिसका वैलेंस सेल बड़ा होगा, तो उसको आप किस में रखेंगे, सेंट्रल एटम में रखेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो होता है क्या, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दिए गए एटम में जिसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगा उसको सेंटर में रखेंगे। क्लियर, बाकी जो हो गया वो टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने लायक बात है कि हाइड्रोजन और हैलोजन, मतलब क्लोरीन को इसमें मेंशन नहीं करते हैं, क्लोरीन सेंट्रल एटम के रूप में भी काम करता है, हाइड्रोजन मेनली फ्लोरीन, हाइड्रोजन और हैलोजन जो होते हैं वो आउटसाइड एटम्स के रूप में यानी टर्मिनल के फॉर्म में ही आएंगे, यानी हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में नहीं आएगा। बात आई समझ में आपके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर थर्ड पे, आपको क्या करना है कि अगर सेंट्रल एटम आपका थर्ड पीरियड या उससे नीचे का नहीं है तो उसके अराउंड चार से ज्यादा बॉन्ड आपको नहीं बनाना है। डोंट पुट मोर देन फोर एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम अनलेस द सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड पीरियड, यानी थर्ड पीरियड का अगर एटम होगा तो उसके अराउंड आप मोर देन फोर एटम्स रखेंगे, लेकिन अगर थर्ड पीरियड का नहीं है तो वैसे केस में आप चार से ज्यादा नहीं रखेंगे। बात आ रही समझ में, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको आगे कि ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है कोवेलेंसी। तो जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब क्या होता है, थर्ड पीरियड में ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये लोग क्या करता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है, यानी इसमें पॉसिबिलिटीज हो जाता है कि कभी कभी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकता है। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी क्लोरीन सल्फर
फास्फोरस ये सब क्या होता है, वेरिएबल कोवेलेंसी शो करता है। इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर थर्ड पीरियड का एटम है, याद नहीं हो आपको कि थर्ड पीरियड का एटम अब रटा जाएगा, तो रटना नहीं है। वैसा कोई भी एटम जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और वो सेंटर में है, तो फिर उसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आपका एटम थर्ड पीरियड का नहीं है तो उसके अराउंड आप क्या करें, मतलब जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है वैलेंस सेल में, उसके अराउंड आप चार से ज्यादा एटम नहीं रखेंगे, यानी चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बात आई समझ में? तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये हो गया स्केलेटन के लिए। अब बारी आती है कि आपने ये स्केलेटन एक अजम्पशन कर लिया कि ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब बारी आती है स्टेप नंबर टू, काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए तो सबसे पहली बात, तीन तरह का मॉलिक्यूल आपके पास हो सकता है, हो सकता है ना। एक हो सकता है जो न्यूट्रल होगा, दूसरा हो सकता है जो पॉजिटिव होगा, और तीसरा हो सकता है जो निगेटिव होगा। क्लियर बात? तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, मान लो कि CO2 है, न्यूट्रल हो गया, इसमें पॉजिटिव के लिए NH4 प्लस आयन और निगेटिव के लिए CO3 2 माइनस आयन, ठीक है। तो इस तीनों केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहली बात कि जो भी एटम है उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है, दो और छः, सॉरी दो और चार, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, चार प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, दो और छः, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः हुआ और उसमें दो है ये, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, टोटल कितना हुआ, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया CO2 का। उसी तरीके से जब NH4 प्लस के ऊपर आते हैं तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना कितना होता है, नाइट्रोजन का सात होता है, दो और पांच, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है तो फोर इंटू वन, तो टोटल कितना आ गया, और देखिए फोर इंटू वन, और चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आप माइनस एक लिखेंगे, अगर टू पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस टू, जैसे आप इलेक्ट्रोवैलेंसी में पढ़ते थे ना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कि एक कटायन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो माइनस वन। तो यहां पे हो गया आपका कितना, फाइव प्लस फोर माइनस वन, ठीक है, यानी हो गया आपका कितना टोटल, देखिए फाइव फोर नाइन माइनस वन यानी एट हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आ गया एट। उसी तरीके से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, कार्बन का कितना होगा, फोर प्लस एक ऑक्सीजन के लिए छः, तो छत्री अठारह, और ये दो निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे दो प्लस करेंगे इलेक्ट्रॉन आप, ठीक है। निगेटिव चार्ज है तो प्लस होगा क्योंकि निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिया गया, ठीक है, तो प्लस हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 प्लस 2 यानी 18 दो 20 चार 24, यानी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आ गया। क्लियर? यहाँ पे ये है कि अगर पॉजिटिव है कटायन है तो जितना कटायन होगा उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, और अनायन होगा तो जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना प्लस कर देंगे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। बात आई समझ में, जो कॉन्सेप्ट है इसका निकालने का, क्योंकि आगे चल के आपको निकालना है, तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जब हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि लेविस स्ट्रक्चर आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट देता है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, ये हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके पता कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग करेंगे, देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 का, तो पहले क्या करेंगे आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप कितना करेंगे इसमें, देखिए कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस CO2, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 इंटू 2, तो इतना जोड़ के आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब देखिए
जब आपको बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। ठीक है, तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, तो क्या करेंगे आप, द नंबर ऑफ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए कैसे पता करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है यानी एक कार्बन है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट के लिए, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 + 16 मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन। बात आ रही समझ में, ऑक्टेट कैसे पता किया, मतलब मॉलिक्यूल को देखना है उसमें क्या है कि कार्बन ऑक्टेट ही पूरा करेगा, तो चूंकि एक ही कार्बन है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को, फिर ऑक्सीजन चूंकि 2 है तो एक ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 8 × 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 24 हो गया यहाँ पे। अब ये कर लिया हम लोगों ने, अब देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ, ध्यान से समझिए, इससे आपका बहुत काम हो जाएगा आगे चल के, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो ये ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला इसमें से जो वैलेंस को माइनस कर देंगे तो वही क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, यानी आप क्या कहेंगे, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इक्वल, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी ई से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बी ई से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन आपका कितना आया है, यहाँ 24 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 16, टोटल आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आया हमारा 8, देखिएगा कैसे बन जाएगा फटाक से स्ट्रक्चर इससे। फिर देखिए यहीं पे आप सीख लें कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो आप करेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लिखेंगे आप, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला माइनस ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका है 16, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ है 8, तो 16 - 8 यानी कि 8। बात आई समझ में आपके, इतना काम आपको कर लेना है, कभी किसी भी मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है, आप खुद बना के देखेंगे। अभी मैं एग्जांपल भी आपको आगे बताऊंगी, वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं है, आपको समझना है, सीखना है, एक एक स्टेप समझिए, एक एक चीज लिखिए, राइट डाउन भी कुछ कुछ करना पड़ता है ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक चीज सीख लिया, एक ही जगह पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, उसमें से आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, बॉन्डिंग हो गया, नॉन बॉन्डिंग निकालना है तो वैलेंस में से बॉन्डिंग को माइनस कर दिया। सब थ्योरी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रटने की जरूरत है आपको, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब स्टेप नंबर 4 में आएंगे और अपना स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए कनेक्ट द स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना है तो ध्यान रखिए, समझिए इस चीज को, पहले क्या करना है, ड्रॉ अ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ईच आउटसाइड एटम, आपको एक बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम और आउटसाइड एटम के बीच में। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है CO2 का, तो सी है आपको ओ और ओ, ठीक है, क्लियर, मतलब यही कहा जा रहा है कि आपको ऐसा स्केलेटन में लिखना है कि एक ही बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम टू दी साइड एटम, ठीक है, आउटसाइड एटम के साथ, ये हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि साइड एटम जो है उसका ऑक्टेट पूरा कीजिए, जो भी बचा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे, समझिए यहाँ पे शुरुआत हो गया आपका स्ट्रक्चर लिखने का, सेंट्रल एटम आपने लिखा, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ जो भी आउटसाइड एटम है उसको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बच गया रेस्ट, उसको आप क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे आउटसाइड का, आउटसाइड एटम का ऑक्टेट, या डुएट अगर है हाइड्रोजन है तो डुएट पूरा होगा, तो इसको पूरा करेंगे। तो देखिए आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 निकाला है। ठीक है, तो 16 में से यहां पे दो
दो दो चार इस्तेमाल हो गया, जो बच गया उसको आप यहाँ लिखेंगे। इसका ऑक्टेट पूरा कीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट इधर से पूरा हो गया। आप गौर करें, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। लेकिन अब देखिए आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन बच भी गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 है ना, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। लेकिन इस केस में क्या है, अभी कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हुआ ही नहीं, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऐसा केस जब आ जाएगा, जब आपने देखा इतना करने के बाद अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, तब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है जो वो आपका पार्टिसिपेट करेगा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में। बात आ रही समझ में, ऑक्टेट पूरा करना है यानी यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपका चला आएगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और यहां से भी ये दो इलेक्ट्रॉन, मतलब जरूरी नहीं है कि यही, यहाँ पे मुझे दिखाने में आसानी है, ये भी आ सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ। अब आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो रखा है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी उसी तरीके से, और कार्बन का भी 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एक एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये बन गया स्ट्रक्चर, ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ठीक है। तो ये तो आसान था, इजी था, बन गया फटाक से, ठीक है। अभी और हम लोग देखते हैं, लेकिन जो मैंने आपको यहां पे बताया है बच्चों, इसका देखिए यूटिलिटी कैसा है, कि जैसे मैंने बताया आपको कि देखिए द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना यहां निकल के आया है, 8 आया है ना। तो आप गौर करो, यहां आपने स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ ना 8 यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी। उसके बाद देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसके नॉन बॉन्डिंग कहते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 आया है, तो आप यहाँ गौर कीजिए, देखिए अपने स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 8 हुआ। ये एक सिंपल एग्जाम्पल से आपने समझा इतना कि क्या फायदा है इतना करने का, ये सब आना चाहिए आपको, ताकि आगे के केसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये बना लिया हमने, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल दूसरा बनाते हैं। तो देखिए NH3 का बनाइए, तो इसमें देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका निकालिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, देखिए नाइट्रोजन का कितना, 2 5, तो वैलेंस 5 हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो +1 × 3 यानी कि टोटल 5 3 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, ठीक है। अब आपको अगर इच्छा है, आपके निकालना है आपको बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, तो आप क्या करेंगे, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझिए इसको, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन है ये। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्टेट कवर करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को, और चूंकि हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन है तो डुएट कंप्लीट करेगा, तो 2 × 3 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन 2 लेगा तो 3 हाइड्रोजन, 2 3 6 लेगा, तो 2 3 6 और 8 14 हो गया, तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन 14 हो गया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन माइनस आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन 14 है और माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 14 माइनस 8 यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग के लिए क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाते वक्त, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी अगर निकालना हो तो आपको परेशानी नहीं हो। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर का कैरेक्टर है कि वो आपको बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, ठीक है। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ रहा है, 8, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका कितना आया है, 6, तो -6 यानी कि हो गया 2, ठीक। ये हम लोगों ने एक बार रफली बना लिया। अब आपको देखिए कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, ऑब्वियस है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में होगा, नाइट्रोजन आपने सेंटर में रखा, और तीन तरफ से हाइड्रोजन को ले लीजिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक एक बॉन्डिंग कर दीजिए, तो हाइड्रोजन ने तो अपना डुएट कंप्लीट कर लिया, ठीक है,
बट नाइट्रोजन का अभी भी 2, 2, 4, 2, 6 ही हुआ है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, यहां पे आप समझिए। आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो 8 में से 6 तो यूटिलाइज हुआ, 2, 2, 4, 2, 6 बचा हुआ है अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाए, ध्यान दीजिए, इसको लिखवा दूंगी भी मैं आपको, ध्यान रखना है आपको कि जब आप बॉन्डिंग करते हैं आउटसाइड के साथ, उसके बाद भी अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया आपके पास, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम पे लिख दिया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसे कहाँ लिख देंगे, सेंट्रल एटम के ऊपर लिख देंगे। तो हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये स्टेप नंबर 5 में आप लिख सकते हैं कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना है, सेंट्रल एटम पे रखना है। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके। तो और आप देखिए इसको जो मैंने बनवाया, क्यों बनवा रही हूं बार बार, देखिए यहाँ पे कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, 2, 2, 4, 2, 6। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आया है आपका, चेक कर लीजिए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो यहाँ 2 आया है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और देखते हैं, निगेटिव पॉजिटिव का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो समझते जाइए, जहां भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे फंस रहे हैं आप, यहाँ पे आपके थ्योरी नहीं समझ में आई, तो उस चीज को मैं वहां पे फिर से क्लियर करूंगी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, आप जरूर से इसे नोट डाउन कर लें, प्लेस ऑल रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। एकदम नहीं दिक्कत होगी बच्चों, 100% गारंटी है इसको। इस वीडियो को पूरा जब आप वॉच कर लेंगे, एक एक चीज समझ लेंगे, लिख लेंगे, कर लेंगे, कहीं कोई फंसने वाली बात नहीं। और मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगी कि किस तरीके से आप जल्दी से बना सकते हैं, आसानी से, फटाक से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। तो देखिए PCl3 का बनाएंगे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, अगर आपको बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट बनाना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए और काम हो जाएगा। तो देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे भी आपका इसी एक स्टेप से ही आप चाहेंगे तो आपका डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट वो सीखना जरूरी है कि बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उसका नीड क्या है, आपको आगे के आगे जैसे ही बढ़ेगा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, फास्फोरस के लिए कितना होता है, 15, 2, 8, 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, है ना, इसका 15 होता है तो 2, 8, 5 लिखते हैं इसका कॉन्फिग्रेशन। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन के लिए 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 है तो 7 × 3, तो हो गया कितना, 5 + 21 यानी कि 26, है ना। तो देखिए 26 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आप क्या करेंगे, सेंटर में हमारा P होगा क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो P, अब देखिए तीन तरफ से क्लोरीन को डाल दीजिए। ठीक है, पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आउटसाइड का पहले ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, ठीक है, आउटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका, तो बॉन्डिंग में कितने ने पार्टिसिपेट किया, क्या टोटल कंट्रीब्यूशन कितना गया। तो देखिए क्लोरीन क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन फास्फोरस का अभी भी 6 ही है, ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट हुआ है फास्फोरस का। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, है ना, और क्या 18, 6, 3, 18 इसका इलेक्ट्रॉन, तो 18 और 6, 24 हो जाएगा ना, है, बात आई समझ में आपके। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 इलेक्ट्रॉन टोटल खर्च हो गया, बचा हुआ आपके पास 26 में से 24 तो आपने ले लिया इस्तेमाल कर, तो आपके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसे कहाँ डालना है, आपको आपके सेंट्रल एटम पे डालना है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना है, सेंट्रल एटम पे डालना है, तो सेंट्रल एटम पे डाला, और देखिए फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, उसके बाद जो रूल मैंने बताया है, लिखाया है, आप उस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका एक ही स्टेप में बन जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए सीओ थ्री टू माइनस का निकालते हैं, निगेटिव आयन है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, तो देखिए कार्बन के लिए कितना होगा, इसका छः होता है, दो चार यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर प्लस इसका छः होता है तो सिक्स इंटू थ्री, चूंकि टू निगेटिव चार्ज है मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस टू, क्लियर ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फोर प्लस सिक्सटीन, सिक्स इंटू थ्री एटीन प्लस टू, तो हो गया टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 दो बीस चार 24 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 24 हो गया, क्लियर। तो पहले आप लेविस स्ट्रक्चर बनाइए, तो कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव है बीच में रहेगा, ओ है तीन साइड से ओ रहेगा, ओ डाल दिया आपने, पहले कहा गया है कि सिंगल बॉन्ड से जोड़िए और उसके बाद ध्यान से समझिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़िए उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाए उससे पहले ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, किसका आउटसाइड एटम का। तो चलिए कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है डाल दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24, आपने कितना यूज किया ध्यान दीजिए, देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, यानी आपने 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24 ही इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए तो आपके पास तो कुछ बचा नहीं, तो रिमेनिंग कार्बन के ऊपर तो कुछ जाएगा नहीं, अगर बचा रहता तो कार्बन पे जाता, नहीं बचा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए तो कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है, कार्बन का अभी सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है, तो कार्बन के ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैंने बताया है आपको थ्योरी में अभी जस्ट कि जब ऐसा कर लेते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है अगर सेंट्रल एटम का बॉन्डिंग ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें से कोई एक ऑक्सीजन से आप मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। तो बात आई समझ में, तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे दिखाया गया, तो ये अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल चार्ज तो मॉलिक्यूल का होता है माइनस टू हुआ, अगर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप ये सवाल करते हैं कि निगेटिव चार्ज है तो किस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है तो वो आउटसाइड एटम पे जाता है, पॉजिटिव है तो वो सेंटर पे जाता है, लेकिन इसका पता कैसे लगता है, ये कोई ऐसा रटने वाली बात नहीं है कि रटा जाए इसको बैठ के, तो ओवरऑल दिखाना है इट इज ओके। बट अगर आपको ये जानना है कि इस ऑक्सीजन पे निगेटिव होगा, इस पे निगेटिव होगा या इस पे निगेटिव चार्ज होगा, तो उसके लिए एक और अलग से कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। जब इंडिविजुअली एटम के ऊपर आप चार्ज देखने लगते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है वो भी आपको यहाँ पर बताती हूँ मैं। तो देखिए फॉर्मल चार्ज या इसको एफ सी बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, ठीक है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो रहा है ना। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पूरा लिखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, जिस एटम के लिए आप फॉर्मल चार्ज काउंट कर रहे हैं उस एटम की बात करेंगे, जिस एटम का काउंट करेंगे उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही बात, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बात आई समझ में। तो यहां देखिए तो ये फॉर्मूला हुआ, कोशिश की है मैंने कि इसे एक जगह पर लिख सकूं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसे ही बोलते हैं जो अनशेयर्ड हो जाता है, नॉन बॉन्डिंग होता है, यानी जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वही तो अनशेयर्ड होगा ना, तो उसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए आप जैसे निकालना चाहते हैं, सपोज दैट कि आप कार्बन का निकालना चाहते हैं, इस कार्बन का, तो कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज
ऑफ कार्बन। तो देखिए कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का चार, ठीक है। तो देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार माइनस ये नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप देखिए कहीं भी नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया जीरो और माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, तो आठ का आधा, तो हो गया कितना, चार माइनस जीरो माइनस चार, यानी कि जीरो, यानी कार्बन के ऊपर कैसा फॉर्मल चार्ज हुआ, जीरो, कोई चार्ज नहीं है। बात आ गई समझ में आपके। अब देखिए तीन ऑक्सीजन है आपके पास, जिसमें से दो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर है, जो इन ये सराउंडिंग है इसका, ये क्या है, सेम है, यानी इसके ऊपर जो चार्ज होगा वही इसके ऊपर होगा, बच गया ये। इसके ऊपर देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से निकालेंगे हम लोग फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम निकालेंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका भी उतना ही है जितना, मतलब छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन, छः माइनस। अब आप क्या करेंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, दो, तीन, चार, तो माइनस चार करेंगे, फिर माइनस करेंगे और इसका देखेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो दो, दो चार, तो चार का आधा, फोर बाई टू होगा। यही है फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का, आप देखें बैक करके वीडियो को देख लें, ठीक है। तो यहां देखें तो सिक्स माइनस फोर माइनस टू, ठीक है, तो क्या हो गया, सिक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, यानी कि ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, जीरो होगा। तो बच गया सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज देखना, यानी ये तो आप समझ गए कि ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे निगेटिव नहीं है, तो इन्हीं में से आपके पास निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन उसको निकाल के भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहां देखिए कि क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो छह ही होगा, माइनस सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके सामने दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे देखिए कितना इसके पास अनशेयर्ड है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो छह माइनस छह, और उसके बाद क्या कहता है, बॉन्डिंग का आधा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, दो, तो माइनस टू बाई टू, तो आपने कितना हो गया, सिक्स माइनस वन, ठीक है, तो कितना हो गया आपका, माइनस वन चार्ज, यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो कहने का अर्थ है कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, सेम इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, लेकिन जब ओवरऑल मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ओवरऑल चार्ज हो गया, लेकिन और पता लगाने के लिए कि किसके ऊपर ये चार्ज रोटेट करेगा, तो ये पता लगा, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी वजह से बनता है क्योंकि फॉर्मल चार्ज क्रिएट होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे आपको बताया जाएगा आगे के थ्योरी में। अभी आपने ये समझा निगेटिव चार्ज कहाँ गया, अब आती है बात पॉजिटिव चार्ज की, तो उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो देखिए NH4 प्लस आयन बनाइए, NH4 प्लस, ठीक है। तो सबसे पहला काम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप तो नाइट्रोजन का हो गया आपको 5 प्लस हाइड्रोजन का 4 × 1, और ये चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है यानी एक माइनस करेंगे आप, तो हो गया आपका कितना, 9 − 1 यानी कि 8, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, नाइट्रोजन को बीच में रखना है क्योंकि लिस्ट है, नाइट्रोजन को आप सेंटर में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, ओके। तो उसके बाद चार हाइड्रोजन है तो चारों तरफ आप हाइड्रोजन लगा देंगे, लगा दिया आपने हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो सिंगल बॉन्ड जैसे ही आपने बनाया तो हाइड्रोजन का तो डुएट हो गया कंप्लीट, बचा आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को भी आप देख ले, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल आया था 8, जिसमें से क्या हो गया, दो, दो चार, दो छः, दो आठ यूज हो गया, यानी ये बॉन्ड आपने बना लिया, इसके ऊपर आप लगा देंगे ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया NH4+ बन गया। कितना शॉर्ट ट्रिक है, कोई मेथड, कोई मेहनत है इसमें, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो भी एटम है उसको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ना है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट को पूरा करना है, किसका, आउटसाइड एटम का, देन अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो सेंट्रल एटम के ऊपर ला के रख दीजिए, उसके बाद फिर
जरूरत है लोन आपको, मतलब ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है आपके सेंट्रल एटम का, तो फिर आप मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखिए, यहां पे भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपने क्या देखा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो सबका सबका इन्वॉल्वमेंट एक जैसा है, इसलिए एक हाइड्रोजन का निकालेंगे तो सबके लिए फॉलो कर लेगा और बाकी बचेगा नाइट्रोजन। तो सबसे पहले आप करें क्या, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, एन एटम निकालें। तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया, पांच है इसका। उसके बाद माइनस करेंगे तो देखिए, माइनस कीजिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो जीरो है ही नहीं। और उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो दो दो चार दो छः दो आठ, तो माइनस आठ बाई दो, तो कितना आ गया, पांच माइनस चार है ना, कटेगा ये तो एक आ गया है ना, तो ये वन आ गया, तो प्लस वन है ये। तो यहां पे क्या है, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर होगा। प्लस वन चार्ज कहाँ होगा, नाइट्रोजन पे होगा। क्लियर, अगर आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन एच एटम, तो एच एटम आप प्रैक्टिस के लिए निकाल लें बच्चों, तो प्रैक्टिस के लिए आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वन माइनस नॉन बॉन्डिंग जीरो और बॉन्डिंग कितना दो, तो दो माइनस दो बटे दो यानी एक माइनस एक बराबर जीरो। तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का भी पता लग गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया, नॉन बॉन्डिंग का भी पता चल गया, और ट्रिकली आप कैसे फास्ट बना सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। जैसे अभी तुरंत मैं आपको बताऊंगी, बड़ा मॉलिक्यूल लूंगी और उसमें बताऊंगी आपको कि कैसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फटाक से बना लेंगे। क्योंकि ये चीज सीख लीजिए, इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आएगा तो यही सब स्ट्रक्चर रेजोनेंस में काम करता है। इलेक्ट्रॉन इधर ये इधर मूव करता है, रेजोनेंस होता है। तो जब रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। देखिए HNO3 का बनाइए, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहला काम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, हाइड्रोजन का एक प्लस नाइट्रोजन का पांच प्लस एक ऑक्सीजन का छह गुने तीन। ठीक है, तो हो गया छः प्लस अठारह, तो हो गया चौबीस। चौबीस इलेक्ट्रॉन को बांटना है आपको ऑल ओवर मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंटर में। क्लियर, तो सेंटर में हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन तीन है, तो तीन तरफ से ऑक्सीजन डाल दीजिए आप। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए ऐसे। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन तो डुएट कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आपने डाल दिया। अब टर्मिनल एटम जो भी है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो दो दो चार हो चुका है, तो पाँच छः सात आठ, यहाँ पे दो हुआ है, तो दो दो चार, दो दो चार छः सात आठ। ठीक है, हो गया ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, उसी तरह से इसका कीजिए। ठीक है, यहां तक आपने किया तो आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 24। तो आप देखें कि आपने कितना यूज कर लिया। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, टोटल यूज कर लिया आपने कितना, दो 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 चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है, अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, 24 इलेक्ट्रॉन आपने इस्तेमाल कर लिया। तो 24 हो चुका है इस्तेमाल, इसलिए बचा नहीं इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास तो लोन आप इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नाइट्रोजन को देंगे कहाँ से, है ही नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का आप देखेंगे कि ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं, दो दो चार दो छः ही है। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रह गया है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रहा, वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। यानी ये हो कोई भी एक ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी आपके पास बॉन्ड बनेगा कैसा, एन डबल बॉन्ड ओ, इसके पास बचेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड ओ। अब आप देखेंगे कि आपके सारे एटम का कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, और हमारे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट हो गया, दो दो चार दो छः दो आठ। क्लियर, तो इस तरीके से बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कोई मेहनत है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है। एक ब्रीफ देती हूँ आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे,
स्केलेटन बनाने का जो तरीका आपको बताया गया, वैसे सेंटर में आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को लेना है, उसके बाद आपको एक रफली स्केलेटन बनाना है, उसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पहले एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट कीजिए सबको, बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए बाहर वाले एटम का, आउटसाइड एटम का। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए देन पुट ऑन द सेंट्रल एटम, और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, और फिर चेक कीजिए कि आपके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में। बस इतना सा तो है, कुछ है इसमें मेहनत, कुछ नहीं, नथिंग, बस हो गया। इस तरीके से आपने बना लेना है, HNO3 का बन गया। अब H2SO4 का भी आप बना सकते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल हम लोग। तो चलिए देखिए, एक बनाते हैं हम लोग I3 माइनस, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो I3 माइनस बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन का कितना होगा, हेलोजन है तो 7 × 3, चूंकि एक निगेटिव चार्ज है इसलिए एक यहाँ पे प्लस होगा। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो गया तो माइनस, आया तो प्लस, ठीक है। तो हो गया 7 × 3 = 21 + 1, यानी कि टोटल हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 22, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ चूंकि I3 है, यानी कि I ही सेंटर है, सेंट्रल एटम है, I ही टर्मिनल एटम है, तो आप क्या करेंगे, मान लिया I लिखा आपने, ठीक है, I, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ना है, मान लीजिए ये तो सेंटर में आ गया, ये सेंट्रल एटम हो गया, तो ये टर्मिनल एटम है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं बचे हुए इलेक्ट्रॉन से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आप देखिए 22 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, आपने कितना यूटिलाइज किया है, तो देखिए यहां से ये हो गया 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन आपने इस्तेमाल किया है। अभी भी आपका कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 16 आपने यूज किया है, तो बच रहा है कितना, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास अभी भी बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया आपको, कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आपको कहाँ डालना है, सेंट्रल एटम के ऊपर, तो 6 इलेक्ट्रॉन डालना है आपको, तो आप डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आयोडीन को ध्यान से देखिए, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है आयोडीन का, तो देखिएगा आप क्या होता है, देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे आयोडीन को आपने क्या देखा कि इसका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ हो गया, जो मैंने आपको बोला है, आपको स्टार्टिंग में ही दिया कि अगर ऐसा भी केस होगा सम टाइम, जिसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा वो अपने एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएगा, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी का जो केस होता है उस कंडीशन में जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 10 हो गया, इसका मैक्सिमम वैलेंसी ये अक्वायर कर लेता है। बात आई समझ में आपके, तो इस एग्जाम्पल को समझाने का यही अर्थ था कि आपको ये समझा सकूं जो थ्योरी मैंने दिया आपको, कि एक्सटेंडेड फॉर्म भी पाया जाएगा, तो वो यहाँ पे आपने देखा, इसलिए नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर एलिमेंट विद अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स द वैलेंस सेल कैन बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड एन ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल से बियॉन्ड चला जाएगा, यानी यहाँ पे वो अपने हायर वैलेंसी के फॉर्म में पाया जाएगा। तो सल्फर में भी ऐसा होता है, सल्फर में भी क्या होगा, अब मैक्सिमम वैलेंसी के फॉर्म में वो पाया जाएगा, उसके ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास वैलेंस सेल में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, कोवैलेंसी जिस चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, मतलब जहाँ पे आपको कोवैलेंसी बताया है, वेरिएबल कोवैलेंसी बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस वीडियो को जरूर से वॉच करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे क्या हो रहा है ना, क्यों डी ऑर्बिटल वाला ही ऐसा करेगा इस तरह का फॉर्मेशन। जैसे देखिए आपने यहाँ पे आई, मान लीजिए I3- बनाया तो इसमें ये हो गया, लेकिन जैसे इसी को O3 बनाते हो आप, O3 बनाओ, तो O3 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट उसी टाइप का है, सिर्फ माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है, O3- तो सॉरी O3
तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया भैया, 6 × 3 तो 18 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हो गया हमारा। और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ही सेंटर, ऑक्सीजन ही टर्मिनल, तो ऑक्सीजन लिख दिया हमने। ना उसके बाद एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया, आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, देखिए यहाँ पे 18 में से कितना इस्तेमाल हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 15, 16 आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी 18 में से 16 इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया, 2 इलेक्ट्रॉन रेस्ट है, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भैया मेरे, सेंट्रल एटम पे जाता है, एकदम ध्यान रखिए सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम पे डाल दो इसको, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पे चला गया, ठीक है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद भी आप देखेंगे कि आपके ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं हुआ कंप्लीट, क्या हुआ देखिए, 2, 2, 4, 2, 6 बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब इसमें से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये आइदर ये या फिर ये दो कोई भी कर सकता है, तो आप ऐसे लिखोगे ओ, किसी से भी बना सकते हो, इधर वाले से उधर वाले से दोनों एक ही जैसा है, इसलिए कोई परेशानी होनी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ हो गया देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 उस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, फटाक फटाक से एक ही बात बोलूंगी बार बार तो आपको कहोगे वीडियो लंबी होगी, एक ही बात आपने 50 बार बोला है, इसलिए यहाँ पे नहीं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, जो बताया गया है पहले उसके अकॉर्डिंग करते जाइए और बनता चला जाएगा आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटा सा देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हुआ ना, देखिए कैसे फायदा मिलेगा आपको, तो नंबर ऑफ ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन फटाक से निकालिए, तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कितना, 3 ऑक्सीजन है, 8, 8 पूरा करेगा तो 8 × 3 यानी 24 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, 24 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना भैया मेरे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन 24 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 18 हो गया, यानी कि टोटल 14 में से 8 जाएगा तो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गया। तो उसी तरह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है भैया, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 18 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो 18 − 6 = 12। अब आप देखो इस केस में सारा कुछ एकदम फुलफिल करके मैं दिखा दे रही हूँ, बस अब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो देखिए आप 2, 2, 4, 2, 6 जिसने पार्टिसिपेट किया इन बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 आया, आया ना क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब सही सही बन रहा है आपका, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 12, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ। तो जो मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो बॉन्डिंग हो गया। तो ये इसका भी अपना महत्व है, ये भी आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बहुत चीज है, हाइब्रिडाइजेशन में आप जाएंगे तो वहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का बहुत महत्व है बच्चों, इसलिए मैं बार बार आपको सिखा रही हूँ, अंतिम में भी मैंने आपको सिखा दिया, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आप लोग अपना प्रैक्टिस करें, बनाएं मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएं, अगर आपसे कुछ नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे से ये नहीं बना, तो उस चीज को मैं बताऊंगी आपको, समझ में आ गया हो बच्चों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आ गया, और तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए, बेल आइकन के साथ कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।